भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल जामिया के पास प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर फायरिंग हुई, इसमें एक स्टूडेंट घायल हो गया। ये स्टूडेंट CAA NRC NPR का विरोध कर रहे थे, तभी एक शख्स ने फायरिंग की जिसमें एक स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गया है। आज इस फायरिंग के विरोध में मुमरा में जुमा के नमाज के बाद दारुल फलाह मस्जिद के सामने अशरफ शानू पठान की अगुवाई में प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि अनुराग ठाकुर पर गुनाह दाखिल किया जाए, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने पिछले दिनों कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो और उसी वजह से जामिया में फायरिंग हुई है। अनुराग ठाकुर पर अब प्रोटेस्ट करने वाले गुनाह दाखिल करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं फायरिंग करने वाला नाबालिग बताया जा रहा है जिसे 14 दिन के लिए बाल सुधार गृह में भेजा गया है। वही प्रोटेस्ट के दौरान शानू पठान इनकलाबी गीत के साथ अनुराग ठाकुर पर गुनाह दाखिल कर गिरफ्तारी करने की मांग की और बीजेपी सरकार पर जमकर नारेबाजी हुई है। बलिदान दिवस के दिन कोर्ट से जैसी हरकत जो की गई है उसके लिए जिम्मेदार अनुराग ठाकुर और बीजेपी के कई नेता है जो ऐसे भाषण दे रहे कि गोली मारो गद्दारों को। दिल्ली की शाहीन बाग में जो बैठे वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है। तो लोगों में जो लोग हैं उनमें एक मैसेज जा रहा है कि ये देशद्रोही है। बीजेपी का मतलब देश हित पार्टी नहीं, ना यह देश नहीं। हर इस हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है वो देशभक्त और उसका देश है। बीजेपी के पार्टी और बीजेपी के साथ रहने वाला उसका देश नहीं है। उनका मतलब ये नहीं कि जो बीजेपी का बोलेगा वही देशभक्त है। इसीलिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि गोली मारो गद्दारों को, उसके बाद पूरे देश के अंदर लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया। एक तरफ जब कोई दूसरा कन्हैया कुमार या दूसरे लोग स्टेटमेंट देते हैं तो आप कहते हो कि ये भड़काऊ भाषण देते और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दाखिल कर देते, और एक तरफ आपके सेंट्रल के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर देश की जनता को गुमराह करके उसके उभराह करना चाहते और ताकि देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाए और दो जो 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 भाईचारे से द्वेष रहता है वो टूट जाए। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त का सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कहीं ना कहीं दिल्ली में इलेक्शन चालू आजकल फायदा चल रहा है, यही वोट की राजनीति है। जब ये वो इलेक्शन खत्म 8 तारीख को तो ये सारे मुद्दे खत्म। आप लोग ये चाहते हैं, मेरा उनसे एक ही मुकदमा है, मैं उनको एक इंकलाबी गाने के जरिए यही बोलना चाहता हूँ, इंसान को इंसान से क्यों बांट दिया है, कैसा ये धर्म है कैसा ये कर्म है। जैसे योगी जी बोलते हैं ना कि वो आतंकवादी बैठे हैं बुरखे में और लिबासों से पहचानोगे, और जो लोग शाहीन बाग में बैठे वो आतंकवादी। एक धर्म को एक जात को टारगेट करने के लिए मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे इस देश का बंटवारा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। इंसान को इंसान से क्यों बांट दिया है, कैसा ये धर्म है कैसा ये कर्म है। हर गांव के बाहर हमारी कश्ती क्यों है, हर गांव के बाहर हमारी कश्ती क्यों है। अरे दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, अरे मुस्लिमों की जान इतनी सस्ती क्यों है। अछूत कह के हमको आपस में, अछूत कह के हमको आपस में बांट दिया है, कैसा ये धर्म है कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है कैसा ये कर्म है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।